महाराष्ट्रीयन परिवारों में इन दिनों होती है माँ लक्ष्मी जी की स्थापना। इन दिनों गणेशोत्सव के दौरान छठ के दिन अनेक महाराष्ट्रीयन परिवारों में महालक्ष्मी माता का आगमन होता है। इस दरमियान छठ के दिन महालक्ष्मी जी देवरानी और जेठानी के रूप में जोड़े से प्रतिमा के रूप में स्थापित की जाती है। अगले दिन सप्तमी पर महालक्ष्मी जी का महाप्रसादी का भोग के साथ पूजन अर्चन किया जाता है एवं सच सवर कर प्रतिमाओं को सजा कर आगमन की खुशियां मनाई जाती है। महाप्रसादी भोग में 16 मिठाई, 16 पकवान एवं 16 प्रकार की सभी खाद्य सामग्री का उपयोग भोजन में किया जाता है। साथ ही महिलाओं का हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है एवं अष्टमी के दिन इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्रीयन परिवारों में दूसरों के आगमन पर इन दिनों खुशियों की भरमार होती है। एनटीवी टाइम के लिए मंदसौर से संवाददाता वनीता हुपेले और प्रमोद बावलकर की रिपोर्ट। लक्ष्मी जी के घर मनाया जा रहा है, ये महालक्ष्मी जी आते हैं हमारे, तीन दिन का ये त्यौहार रहता है। कल इनकी स्थापना हुई, आज भोग लगा, इनके 16 प्रकार के सारे नैवेद्य बनाते हैं और फिर इनका भोग लगता है। सुहागन को ब्राह्मण को दिवाते हैं, हल्दी को करते हैं, कल शाम को इनका विसर्जन करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती वर्षा पवार है। धन्यवाद।